हेलो फ्रेंड्स, मैं आराध्या। तो आपका स्वागत है मेरी किचन में। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेसिपी। ये पेड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पेड़े बहुत ही सॉफ्ट है, इनका टेक्सचर भी देखिए। यकीन मानिए, पेड़े बहुत ही टेस्टी भी हैं। जितने अच्छे दिखने में लग रहे हैं आपको, उससे भी ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट है। तो आप इस दिवाली बाहर की मिठाइयों को अवॉइड करें और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें और घर में बनाएं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट पेड़े। आप सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और जो बेल का बटन है उसे भी दबा दीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। पेड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक बाउल, और बाउल में डाला है मैंने 250 ग्राम मिल्क पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप घी, ये देसी घी है। अब हमें इसको अच्छे से मिलाना है ताकि जो मिल्क पाउडर है उसमें एक भी लम्स ना रहे। तो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है मैंने 1/2 ग्लास पानी क्योंकि मुझे चाशनी बनानी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी, टोटल मैंने 2 कप चीनी डाली है। अब हम इसे फुल फ्लेम पर चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें एक या दो तार वाली नहीं चाहिए। तो ये देखिए, हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे तो हमारी बिल्कुल चाशनी रेडी है। हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कोकोनट बुरादा है, तो मैं 1 कप डाल रही हूँ। और हमें इसको अच्छे से मिलाना है ताकि जो हमारा ये कोकोनट बुरादा है इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो आप देख सकते हो अच्छे से मिल गया। मैं इसमें डाल रही हूँ ये बैटर, ये बैटर हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने थोड़ा डाला है, पहले मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छे से। आपको बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि जो ये बैटर है इसमें एक भी लम्स ना रहे, तभी हमारे पेड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, अब मैं इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ। आपको ये बहुत अच्छे से मिलाना है क्योंकि इसी बैटर के पीछे हमारे पेड़े हैं। तो जो मेरे पास बचा हुआ है मैंने वो भी डाल लिया है, इसको भी मैं अच्छे से मिलाती हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिलाना है ताकि जो हमारा बैटर है इसमें लम्स ना रहे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस इसके डालने से क्या है, जो हमारे पेड़े हैं वो लुक वाइज अच्छे लगते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। हमें गैस की फ्लेम को फुल नहीं करना है वरना जो हमारा ये बैटर है वो कढ़ाई के तले में लग जाएगा। इससे हमारे पेड़े का जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये प्रॉपर चलाते हुए इसी तरीके से भूनना है। इससे हमारे पेड़े बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यकीन मानिए, आप इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से पेड़े, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। और बाहर की मिठाइयों को तो आप अवॉइड करें और अपने घर में ही बनाएं, अपना और अपने बच्चों का सेहत का पूरा ध्यान रखें। तो आप देख सकते हो जो हमारा बैटर है वो थोड़ा थिक हो चुका है। आपको इसी तरीके से चलाते हुए इसको अच्छे से भूनना है। कुछ ही समय बाद ये हमारी जो कढ़ाई है इसका तला छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए, हल्का हल्का हमारे कढ़ाई से अलग हो रहे हैं ये। तो आपको इसी तरीके से चलाते हुए इसको प्रॉपर भूनना है। आप देख सकते हो कि कुछ ही सेकंडों में हमारा जो ये बैटर है भून के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर दिया है, पर मैं इसे कुछ मिनट तक चलाते हुए इसको ठंडा करूँगी। तो आप देख सकते हो मैं इसको प्रॉपर चला रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से ठंडा करना है। तो ये देखिए, हमारा ये बैटर बहुत थिक हो गया है और ये ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी को हमें बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। इस घी से क्या होगा कि जो हमारे पेड़े हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपको इस तरीके से अच्छे से मिलाना है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पेड़ा बना लिया है। आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, पर मैं आज पेड़े ही बना रही हूँ। पेड़े बनाने बहुत ही आसान है, तो आप इसी तरीके से बनाएं। तो ये लीजिए, मेरा दूसरा पेड़ा भी रेडी हो चुका है। आप चाहें कोई भी शेप दे सकते हैं पेड़े को भी। तो ये देखिए, मेरा तीसरा भी रेडी हो चुका है। मैं इस तरीके से सारे पेड़े रेडी कर लेती हूँ अपने। तो ये देखिए, मेरे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। मैं इनको बादाम से डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपको बादाम ना पसंद हो तो आप इसे काजू से भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने अपने सारे बादाम से डेकोरेट कर लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ पिस्ते। अगर आपको पिस्ते भी पसंद ना हो तो आप इन्हें दोनों के बगैर ही बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पेड़े हैं ना वो उनके बगैर भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये लीजिए, मेरे सारे पेड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हो जितने अच्छे लुक वाइज लग रहे हैं ना आपको, उससे ज़्यादा टेस्टी है खाने में। तो आप इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, मेरे पेड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं।
इनका टेक्सचर भी देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। और आप इस दिवाली पे बाहर की मिठाइयों को अवॉइड करें और अपने घर में ही बनाएं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो नीचे बेल का बटन है ना उसको भी प्रेस करें। मेरी तरफ से मेरी पूरी YouTube फैमिली को हैप्पी दिवाली। मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय।